गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और जितने भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको रोक दिया गया है। अब द्वारका में जितने लोग हैं बस वही दर्शन कर पा रहे हैं और यहाँ पर खमन पार्टी हो रही है, खमन नाश्ता कर रहे हैं और ये देखो गोमती नदी का व्यू। तो हम लोग भी अब निकल रहे हैं यहाँ से सोमनाथ के लिए। सोमनाथ दर्शन के बाद हम लोग फिर से हमारे मेहसाणा में जाएंगे और वहाँ से फिर से हम इंदौर जाएंगे। तो खमन तो बहुत टेस्टी है, यहाँ का स्ट्रीट फूड है। तो आप भी यहाँ पर आएँ तो ये ध्यान रख के आएँ कि कैसा मौसम है, कब जाना है। अभी हम लोग तो कल निकले थे वहाँ से तो बहुत धूप था, लेकिन शाम तक ही हाई अलर्ट हो गया था। तो फ्रेंड्स देखा जाए आपको मतलब बाहर से कोई भी आते हुए नहीं दिख रहा है क्योंकि बाहर से बंद कर दिया गया है। तो आए नाश्ता के लिए, मम्मी खा रहे हो, लो सब पैकिंग हो रही है हमारी, ये बस चल ही रहे हैं। चलो तो हम लोग हो चुके हैं सब रेडी और देख लीजिए हमारे लुक। हम सब लोगों ने गोटा पहन रखा है, ये लुक बहुत स्पेशल वर्क होता है ये जो राजस्थान में ही मिलता है, हम लोग सब वहीं से लाए थे ये सभी। और ये पापा पापा की गोदी में गौरांश बिल्कुल, और ये देख सकते हैं हम गोमती माता। आज थोड़ा सा हम लोग अब नागेश्वर जा रहे हैं और ये दुबे जी सबको नाश्ता करवा रहे हैं। मुझे जगा देना, विषम वेदना से विषयों की माया नीच छुड़ा देना। दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और हम लोग अभी आ गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय नागेश्वर धाम, जय नागेश्वर धाम। आए मैं आपको अंदर दर्शन करवाता हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में। आप किसको? बाबा नाक को मत मारना। अब किसको ले? अब मामा 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 ले। दोस्तों नागेश्वर से दर्शन करने के बाद हम लोग रुके हैं यहाँ पर लंच के लिए क्योंकि गोरान छुड़िया था, उसको उठते से चाहिए दूध और दूध के लिए हम लोग देखें यहाँ पर उठे थे। लेकिन भाई ने बोला कि यहाँ बहुत अच्छा भोजन भी काठियावाड़ी भोजन हमको यहाँ पर मिला है। हम रास्ते में हैं, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ के लिए। देखिए हाईवे पर सुंदर सा यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर बहुत अच्छी सबका देसी आनंद यहाँ पर मिला है, कितनी अच्छी हरियाली यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर सोमनाथ। अच्छा नागेश्वर में हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, हम लोग ने अंदर जाके अभिषेक भी किया, अभी
अभिषेक करने के बाद हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, मतलब हम बहुत किस्मत वाले हैं आए। इसके बाद हम लोग सोमनाथ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि सोमनाथ में भी आपको हम दर्शन करवाएं। थैंक यू, मिलते हैं सोमनाथ।